दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में हमने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देखे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम में जगह केवल तभी तक बनाई जा सकती है जब आप लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हों। भारतीय टीम में जगह पाना सभी खिलाड़ियों का सपना होता है। हर युवा खिलाड़ी इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फील्ड पर अपना खून पसीना बहा देता है, तब जाकर उसे कहीं टीम में जगह मिल पाती है। साथ ही दोस्तों ये भी उतना ही सच है कि टीम में जगह बनाने से कई ज्यादा मुश्किल है टीम में बने रहना। भारत में हजारों खिलाड़ी घरेलू मैचेस देखते हैं और इनमें अच्छा भी करते हैं, इसी वजह से भारतीय टीम में एक दो खराब प्रदर्शन भी खिलाड़ी को टीम से बाहर करवा सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब में काला सच ये भी है कि भारतीय टीम में कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने भारत के लिए मौका मिलते ही अपना 100% दिया और अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के हमारी वीडियो को देखने के लिए, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं वो 10 भारतीय क्रिकेटर्स जिनको अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी टीम से बाहर कर दिया गया। दोस्तों वीडियो काफी शानदार है, बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 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 हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, फैज फजल। दोस्तों विदर्भ के कप्तान रहे फैज फजल की कप्तानी में उनकी घरेलू टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि इनकी कप्तानी में टीम ने 2 बार रणजी ट्रॉफी के साथ ईरानी कप पर भी कब्जा जमाया। फैजल ने कप्तानी के साथ ही बल्लेबाजी में भी अपने जलवे बिखेरे और अपनी टीम का अच्छा नेतृत्व किया। इनके अच्छी फॉर्म के चलते इन्हें साल 2016 के जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय वनडे टीम में चुना गया। आपको बता दूं उस टीम में ही केएल राहुल, चहल, करुण नायर, मनदीप सिंह को भी पहली बार टीम में जगह मिली थी। सभी युवा अपने करियर को लेकर काफी फोकस्ड थे, सभी को टीम में हमेशा के लिए जगह पक्की करनी थी। ऐसे में देखिए बेस्ट देना ही वन एंड ओनली ऑप्शन था। ऐसे में फजल को तीसरे वनडे मैच में खेलने का मौका मिलता है। इस मैच में उनके बल्ले से नाबाद 55 रनों की पारी निकली, लेकिन इस बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद फैजल को फिर भी भारतीय टीम में मौका नहीं मिला। आज भी फैजल घरेलू मैचेस में लगातार अच्छा खेल रहे हैं, इसके बावजूद भारतीय टीम के चयनकर्ता उन्हें इंडिया ए की टीम में जगह नहीं दे रहे। अब आप ही बताइए अपना बेस्ट देने से ज्यादा खिलाड़ी और क्या कर सकता है। नंबर 9, जयंत यादव। दोस्तों हरियाणा के ऑलराउंडर जयंत यादव को शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं इनकी बेहतरीन क्रिकेट स्किल्स के चलते इनको भारतीय टीम में शामिल किया जा चुका है। जी हाँ, पहली बार इंग्लैंड के 2016 भारत दौरे पर इन्हें टीम में जगह मिली थी। जयंत ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने के साथ निचले क्रम के बेहतरीन बल्लेबाज थे। परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में उभरते जयंत ने अपने डेब्यू मैच में ही एक अलग ही छाप छोड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट्स लिए, साथ ही 35 और 27 रनों की पारी खेली। साथ ही आगे भी इन्होंने अपना ये प्रदर्शन बरकरार रखा और इसी सीरीज में मुंबई में हुए टेस्ट मैच में शतक लगाया। विराट कोहली ने मैच में दोहरा शतक बनाया था और जयंत ने दूसरे छोर पर खड़े होकर अच्छा साथ निभाया था और यहां तक कि शतक भी जड़ा। इस सीरीज के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली, इसके पहले मैच के बाद ही जयंत यादव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 4 टेस्ट मैचेस में 45 के औसत से 228 रन और 11 विकेट्स लेने के बावजूद जयंत को फिर टीम में मौका नहीं मिला, जिससे इनका टैलेंट आज दब कर ही रह गया। जिस नाम के काबिल थे असल में वो इनको मुकम्मल नहीं हुआ। नंबर 8, इरफान पठान। दोस्तों इरफान पठान के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, उनका स्माइलिंग फेस हम सभी को खूब भाता है, लेकिन इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द शायद ही आपको पता हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इरफान पठान ने भारत के लिए 2004 में वनडे में डेब्यू किया। डेब्यू के साथ ही इन्होंने गेंद और बल्ले से अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ही सालों के बाद पठान की बॉलिंग की स्पीड थोड़ी कम हो गई। उन्हें इसमें सुधार करने का ज्यादा समय नहीं दिया गया और इसी वजह से उनको टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन भाग्य ने एक बार फिर से इरफान पठान का साथ दिया और साल 2011 वर्ल्ड कप के कुछ महीनों बाद इन्होंने वनडे टीम में एक बार फिर से जगह बना ली। बल्ले के साथ इरफान गेंद से भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने लगे। आगे वो समय आया जब भारतीय टीम 2012 में श्रीलंका दौरे पर गई थी। आपको बता दूं ये वही सीरीज थी जिसके 5 मैचेस में रोहित शर्मा के बल्ले से सिर्फ 13 रन निकले थे। वहीं सीरीज में इरफान पठान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लेने के साथ ही 76 रन बनाए थे। अंतिम मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था, लेकिन फिर भी सीरीज के बाद पठान को टीम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद से इन्हें फिर कभी टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिला। आज हालात ये हैं कि आप इनको क्रिकेट मैचेस में कमेंट्री करते हुए देख सकते हैं। नंबर 7, अजिंक्य रहाणे। दोस्तों अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अजिंक्य रहाणे इंडिया टीम से बाहर क्यों हुए तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, और सच कहूं तो मैं भी सवाल का जवाब नहीं जानता हूं। दोस्तों भारत के लिए नंबर 4 पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले अजिंक्य रहाणे वनडे टीम से बाहर क्यों हुए, इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। अजिंक्य रहाणे के अंतिम 20 वनडे मैचेस के प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो बेहतरीन रहा है, जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने जैसा है। 20 मैचेस की 19 पारियों में इनके बल्ले से 803 रन निकले। इस दौरान इनका बल्लेबाजी औसत 45 का रहा था। 19 पारियों में उन्होंने 9 अर्धशतक और 1 शतक भी बनाया है।
इसमें रहाणे ने लगातार 5 मैचेस में 5 अर्धशतक बनाए थे। वेस्टइंडीज दौरे पर जब इन्हें खेलने का मौका मिला था तो ये वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे। जनवरी फरवरी 2018 में वो टीम के साथ साउथ अफ्रीका गए थे, वहां भी उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन ना जाने क्यों पर आईपीएल 2018 के बाद रहाणे को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद से अभी तक इन्हें फिर से वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। नंबर 6, करुण नायर। दोस्तों आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आपने करुण नायर को जरूर देखा होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, इंटरनेशनल मैचेस में ये काफी कामयाब रहे थे। साल 2016 में इंग्लैंड के भारत दौरे पर इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। पहले दोनों टेस्ट की दो पारियों में इन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फिर मैदान में उतरे। आगे उस सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच चेन्नई में खेला गया। अपना तीसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे नायर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और 303 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट में तीसरा शतक बनाने वाले करुण नायर दूसरे बल्लेबाज हैं। ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट था, लेकिन इसके बावजूद अगली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसके बाद उन्हें अगले 3 मैचेस में खेलने का मौका मिला, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि इंग्लैंड में 2018 में 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज में ये टीम का हिस्सा थे, लेकिन एक भी मैच इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। नंबर 5, श्रेयस अय्यर। दोस्तों बेशक श्रेयस अय्यर आज बुलंदियों के शिखर पर है, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं, इन्होंने घरेलू मैचेस में कई सालों से लगातार रन बनाए हैं, जिसके चलते इन्हें श्रीलंका के खिलाफ 2017 में हुई वनडे सीरीज में मौका मिला, और वो इसलिए क्योंकि विराट कोहली ने शादी की वजह से टीम में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। श्रेयस ने मौके का बखूबी इस्तेमाल किया। हालांकि पहले वनडे में श्रेयस फ्लॉप रहे, लेकिन इन्होंने अगले 2 मैचेस में अर्धशतक बनाया। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी टीम में जगह मिली, वहां भी इन्होंने 2 पारियों में बल्लेबाजी की और उनके बल्ले से 18 और 30 रनों की पारियां निकली। आगे उन्हें इंग्लैंड के दौरे पर टीम में जगह मिली, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। और तो और, इसके बाद एशिया कप हुआ, लेकिन श्रेयस को टीम में चुना नहीं गया। इन्होंने करीब 1 साल तक अपनी जगह पाने का इंतजार किया, तब जाकर आज ये टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं। नंबर 4, सुरेश रैना। दोस्तों इस लिस्ट में सुरेश रैना का नाम सुनकर आप शॉक जरूर होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सुरेश रैना को भी इंडियन टीम से कई मर्तबा दूर रखा गया। रैना कई सालों तक लगातार इंडियन टीम के लिए वनडे और टी20 फॉर्मेट में प्रमुख बल्लेबाज रहे हैं। टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लेकिन शॉर्ट गेंद को खेलने में उन्हें परेशानी होती थी। गेंदबाजों को उनकी इस कमजोरी का पता चल चुका था। धीरे धीरे गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया, जिसके चलते लगातार रैना के बल्ले से रन्स नहीं निकले। रैना ने साउथ अफ्रीका में 2018 टी20, निदहास ट्रॉफी, आयरलैंड सीरीज और इंग्लैंड सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की थी। इन सभी टी20 मैचेस में तेज तर्रार पारियां खेली थी। आगे जब भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेली तो उस सीरीज में रैना को जगह नहीं मिली। इसके बाद से तो इन्हें कभी टी20 मैच में जगह मिली ही नहीं। वैसे भी अब रैना इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और इस बार पर्सनल रीजंस की वजह से वो आईपीएल से भी बाहर रहे। नंबर 3, अमित मिश्रा। दोस्तों भारत के मिस्ट्री बोलर अमित मिश्रा को शायद ही आज कोई नहीं जानता हो। जब जब अमित मिश्रा को खेलने का मौका मिला भारतीय टीम के लिए, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी कभी टीम में उनकी जगह पक्की नहीं हुई। उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसको वो डिजर्व करते थे। इनको खेलने के नाम पर केवल टेस्ट मैचेस ही मिले, वनडे में इनको ज्यादा मौके नहीं मिले। आपको बता दूं, वनडे में 2003 में डेब्यू करने के बावजूद 2016 तक इन्होंने सिर्फ 36 मैचेस ही खेले थे। इन 36 मैचेस में उनके नाम 64 विकेट भी दर्ज हैं। न्यूजीलैंड की टीम 2016 में भारत दौरे पर आई थी। 5 मैचेस की सीरीज में अमित मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट चटकाए थे। भारत की सीरीज पर जीत के बाद इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ही मिला था, लेकिन फिर इसके बाद इनको वनडे टीम में कभी जगह नहीं मिली। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद खिलाड़ी को उम्मीद होती है कि अगले कुछ दिनों तक टीम में उनकी जगह भाई पक्की हो जाएगी, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब वजह क्या रही ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इनके संग जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। नंबर 2, प्रज्ञान ओझा। दोस्तों प्रज्ञान ओझा के बारे में आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। भारत के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में ये खेल चुके हैं। हालांकि वनडे और टी20 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन टेस्ट मैचेस में इन्होंने लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सिर्फ 24 टेस्ट मैचेस में इनके नाम 113 विकेट्स थे। इन्होंने सभी टेस्ट मैचेस भारत में ही खेले। इनके स्पिन गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजों को लगातार परेशानी होती थी। ये एक मिस्ट्री बॉलर बनकर सामने आए। ओझा ने अपना लास्ट टेस्ट मैच 2013 में मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। ये मैच सचिन तेंदुलकर का भी आखिरी मैच था। इसी मैच में प्रज्ञान ने अपने टेस्ट करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस मैच में इन्होंने 89 रन देकर 10 बल्लेबाजों को आउट किया था। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इसके बावजूद इन्हें बाद में कभी टीम में जगह नहीं मिली। नंबर 1, अंबाती रायडू। दोस्तों भारत के लिए वनडे मैचेस में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी औसत विराट कोहली का है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, देन रोहित शर्मा और फिर नंबर 4 पर किसी और का नहीं बल्कि अंबाती रायडू का ही है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि रायडू एक बेहतरीन खिलाड़ी है,
इसके बावजूद दोस्तों रायडू को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुना गया था। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। 5 मैचेस की वनडे सीरीज में रायडू सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इसके बावजूद इनको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप के दौरान 2 भारतीय बल्लेबाज चोटिल हुए और उसके बाद भी अंबाती रायडू को टीम में शामिल नहीं किया गया। ये रायडू के लिए गहरे सदमे के जैसा था। फाइनली तमाम उम्मीद हार जाने पर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में संन्यास ले चुके खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी औसत में अब भी रायडू का स्थान बरकरार है। अब ये सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आपकी इन खिलाड़ियों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपका फेवरेट खिलाड़ी इनमें से कौन है प्लीज हमें कमेंट कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये चीज हमें मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए। एंड डेफिनेटली हम जरूर आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।